मैं आपको दिखा रहा हूँ जाड़ों के जिन्हें हम बादाम कहते हैं, गरीबों के भी बादाम होते हैं ये, क्योंकि मूंगफली जिसे हम कहते हैं किस तरीके से भूनी जाती है और किस तरीके तक आप तक पहुंच पाती है। मेरे साथ एक चमन भाई हैं जो कि मूंगफली को बता रहे हैं। पहले हम एक ड्रम में लाते हैं कच्ची मूंगफली जिसे कहते हैं, उसके बाद यहाँ सिकाई होती है और उसके बाद मार्केट में पहुंचती है। ये सारी चीजें दिखा पा रहा हूं मैं आपको किस तरीके से। वो बॉलर है कि जिसको वो बॉल कर रहे हैं मूंगफली को, हम उनसे जानेंगे कि कच्ची मूंगफली कहाँ से लाते हैं और किस तरीके से भूनते हैं वो। सब बड़ी मेहनत का काम है कि जो कि हमें आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। मेरे साथ चमन भाई हैं जो कि मूंगफली भून रहे हैं और मैं आपको दिखा भी पा रहा हूं। और चमन भाई से हम जानेंगे, चमन भाई हम तो समझ रहे थे कि हम जब बाजार से मूंगफली खरीदते हैं तो बड़ी आसानी से खरीद लेते हैं, लेकिन हम आपको देख रहे हैं आपका पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है, काफी मेहनत करते हैं आप। पूरा परिवार लगा हुआ है जी। हाँ, और मूंगफली लाते कच्ची और उसमें भूनते हैं, भरते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत मेहनत लगती है बहुत। पहले कच्ची मूंगफली आती है, उसके बाद इसमें आप ड्राम में डालते हैं। पहले कच्ची लाते हैं। तो ये कितना समय लेते हैं ड्राम में जब बाउल करते हैं आप इसको? ये एक घंटा लगता है इसमें। इसको एक घंटा लगेगा जो कंप्लीट हम तक पहुंचेगी जी। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे मूंगफली निकल जाएगी, फिर उसके बाद एक जो मशीन लगी इसमें अभी लगा पाता है छन्नी जिसे कहते हैं, इसमें साफ करते हैं इसकी जो खराब है वो निकालते हैं। जो मतलब धूल मिट्टी जो होती है, धूल मिट्टी साफ करके जो निवल माल है उसे निकाल देते हैं, जो साफ साफ माल है वो बाजार में बेचते हैं हम। अच्छा, जो छन्नी जो, अच्छा मैं देख भी पा रहा हूँ महिलाएं भी काम कर पा रही हैं। तो ये जो फटकना होता है ये क्या होता है, इससे क्या होता है? इसे जो निवल माल है वो सब बाहर कर देते हैं और सही माल बाजार में बेचते हैं। मतलब जो छांट होती है, जो छांट होती है, वैरायटी जो होती है वो यहाँ जो वैरायटियों में बट जाती है जी जी जी। चमन भाई बता रहे हैं कि जो मैं बाउल कर रहा हूँ यहाँ, उसके बाद ये मशीन पर पहुंचेगी, उसके बाद जो महिलाएं एक जो फटकना जिसको हम कहते हैं पुरानी भाषा में, उसके बाद जो वहाँ वैरायटी कंप्लीट होगी, क्योंकि कई वैरायटी की मूंगफली हो जाती है। हम बाजार में देखते हैं कि कई वैरायटी लगी हुई होती है। अच्छा चमन भाई, ये कितना समय लेते हैं बाउल होने में? एक से डेढ़ घंटा बता रहे हैं? एक घंटा लगता है और फिर आधा घंटा लगता है सफाई करने में। सफाई करने में जी, माल की छटाई करने में आधा घंटा लग जाता है। तो मेहनत करते हैं, मतलब कब से शुरू हो जाते हैं ये काम, के वजह से और के बजे तक लगन जाता है? शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक लग जाते हैं। अच्छा, ये तो सीजन का काम हो गया जी। अब जैसे सीजन के अलावा क्या करना होता है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अब क्योंकि जाड़ो जाड़ो मूंगफली होगी, उसके बाद फिर क्या करते हैं? जाड़ो के बाद में ठेली लगाते हैं, केले वेले वगैरह बेचते हैं। बता रहे हैं कि हम अपने परिवार का पालन पोषण, क्योंकि इस समय मूंगफली का सीजन होता है, हमारा मेन काम है। उसके बाद जो समय होता है वो जो हम ठेला ठेली जो लगाते हैं उसमें जो फल विक्रेता जिसमें आप देख पाते हैं वो सब चीजें करते हैं, लेकिन जाड़ों में हमारा ये सीजन है, मेन काम होता है, स्टॉक लगा हुआ है और पूरा परिवार लगा हुआ है, पूरा परिवार इस काम को अंजाम दे पा रहा है, जो कि हमारे हाथों में आसानी से। मैं एक बार फिर पुनः कह रहा हूँ, तो मूंगफली जो हम परचेस कर लेते हैं बाजारों से, कितनी मेहनत होती है और कितनी छांट होती है, पूरा परिवार लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। क्या कहना चाहते हैं बादशाह भाई, आप भी सोशल मीडिया पर बड़ा हाई फाई रहते हैं, मूंगफली आप भी करते हैं? हमारी हम भी करते हैं, बहुत मेहनत का काम है। अच्छा, ये मेहनत, ये मूंगफली कहाँ उगती है वैसे? जैसे मूंगफली राजस्थान, जयपुर, जोधपुर, कच्चा माल लाते हैं? हाँ, जयपुर जोधपुर इधर की तरफ से आता है माल। अच्छा, इस बार मूंगफली की तेजी है क्या है अब क्या? हाँ, फसल थोड़ी तेज कम हो गई है, निवल माल हो गई है और माल में तेजी है पहले से। हाँ, जो दाना होता है उसका छोटा रहेगा थोड़ा सा? हाँ, दाना साइज छोटा रहा है आपका, कम साइज बढ़िया नहीं हुआ, किसान का माल हल्का पैदा हुआ आपका। बता रहे हैं चमन भाई के आपके इस बार जो फसल हल्की रही है वो दाना भी थोड़ा सा कम है, लेकिन हम ग्राहकों को और बेहतर क्वालिटी दे पा रहे हैं कि अच्छी छांट कर जो शौकीन है मूंगफली खाने के उनको हम अच्छी बेहतर मूंगफली दे पा रहे हैं। तो मैं बताता चलूं एक बार ग्राहकों, क्योंकि गरीबों के बादाम मूंगफलियों को ही कहा जाता है, और ये कहावत भी आपने सुना होगा कि मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, ये बच्चे कहा करते थे, कहा करते थे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ये एक मिसाल हुआ करती थी मूंगफली पर, जो कि पूर्व में कही जाती थी। चले मेरे साथ, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ किस तरीके से मूंगफली तैयार होकर आई है और किस तरीके से बोरियों में वो सेलेक्ट कर पा रहे हैं मींगों को, जो कहते हैं ना कि कई वैरायटी अभी निकलती है यहाँ से। चलिए मेरे साथ, मेरे साथ सीमा है जो कि मूंगफली की छांट को वैरायटी चेंज कर पा रही है। क्या करना होता है, आप जैसे मशीन पर आती है बाउल होकर आती है, आप छांट कर पा रही हैं? साफ करनी होना है, साफ करनी होती है जी। तो यहाँ वैरायटी की जो जिम्मेदारी आप पर है, कई तरीके की मोबाइल छांटनी होती है आपको?
अच्छा इसमें केक कितने तरह की वैरायटी होगी कम से कम? आप एक ही तरह की है लेकिन हमें साफ करके एकदम क्लियर करनी पड़ती है। क्लियर करनी पड़ती है। बता रहे हैं कि जो मूंगफली वहाँ से चमन भाई के द्वारा और मशीन में आई है और उसके बाद छांट यहाँ हो पा रही है, वो बता रहे हैं कि जो बाउल से होकर यहाँ आई है छांट, उसके बाद ये मूंगफली की छांट हो पा रही है और ये मूंगफली मेरे हाथों में आप दे पा रहे हैं काफी गर्म है बाउल होने के बाद। तो चलिए मेरे दर्शकों, मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस तरह जो गरीबों के बादाम है और गरीब जो सब देख पा रहे होंगे बादाम जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि बादाम आप खाएं और मूंगफली खाएं तो दोनों में टेस्ट अलग होता है, लेकिन जो कहा जाता है कि जाड़ों में केवल मूंगफली ही खाई जाती है, बादाम नहीं खाए जाते, ये कहना भी और हम परिवारों में खाते भी। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको उन दुकानों पर लेके चलता हूँ जहाँ मूंगफली की यहाँ से छांट होने के बाद बिक्री की जाती है। चलिए मेरे साथ। मुंह दिखा ले, मुंह देख रहे हैं तेरा। ये मूंगफली है जो कि जाड़ों की बादाम जिन्हें कहा जाता है और सजे हुए हैं दुकानें सब। तो ना रहे भैया।